मिले तो अच्छी बात है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो ऋषियों की संतान है। स्वामी रामदेव जी कहते हैं हम सब ऋषि और ऋषिकाओं की संतान है। जब संतान ऋषियों की है, ब्राह्मण है हम, तो क्यों नहीं कर सकते अच्छा काम? पर कैसे होगा? बहुत अच्छी बात बोली निर्मल जी, मेरी बात आप सुनते तो अच्छा लगता कि शिक्षा से ही हो सकता है। अभी मैं तो डीएवी का डायरेक्टर रहा, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, देश विदेश में जाता हूँ, प्रोफेसर हुए और सभी ने पूरी खुशी से, जोश से, उत्साह और उत्कर्ष से इस आज के पावन पर्व को मनाया है। इसकी आप सबको भी बधाइयां। और समाज में जिन्होंने विशेष कार्य किए हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो, या समाज के अन्य सामाजिक व्यक्ति हो, उन सब का जो है ब्राह्मण सभा की ओर से उनको सम्मानित किया गया है, ताकि वो और अधिक समाज के लिए बेहतर कार्य करें। तो आप सबको भी आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कुछ नया करने का विचार है, एकता करने का विचार, अपनी शक्ति दिखाने का समय है। ठीक है, सुरेंद्र कुमार, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव आज पूरे समाज की तरफ से और पूरे इलाके की तरफ से धूमधाम से मनाया गया। इसमें भगवान जी का जो है ना जन्मोत्सव जो है ना मनाया इसलिए जाता है कि ताकि हमारा जोश बढ़ रहे। भगवान को तो वैसे क्या हम दे सकते हैं, वही हमारे कसब देते हैं, वो सबको, वो हमारे आदरणीय पूजनीय तो हैं, अमर आदर भी हैं। और ऐसे शख्स हमारे समाज में पैदा हमारे लिए गर्व का विषय है। और आज समाज ने जो हमारे को हौसला दिया, जो मान सम्मान दिया और पैसा दिया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद हूँ। और इन लोगों के आने से मेरा हौसला और बढ़ गया, ताकि मैं और आगे बढ़ चढ़ के काम करूँ इस कार्यक्रम को। मेरे को आज पूरे 3 महीने हुए हैं 22 को, मैं 3 महीने से लगा हुआ था, बीच में स्वास्थ्य खराब होने के पास कारण मैं हर गाँव में नहीं पहुँच सका, 40 गाँव में पहुँच सका, जहाँ से मैं 6 लाख नकद और 18 कमरे का नकद पैसे लेके आया। ब्राह्मण अभी बदलाव भी देखने को मिला है धर्मशाला के। वो इन भाइयों का सहयोग है, इनका आशीर्वाद है। और भी अलग मेरी अपील यही है कि समाज जो है ना, एक तो अपनी कुरीतियों में भी ध्यान रखे, कुरीतियों को छोड़े, शराब नशा जो भी ये सबसे गंदा है हमारे समाज के लिए, सभी के लिए इनसे बचना चाहिए। और भविष्य में एक प्रार्थना भी करूंगा मैं कि हर आदमी अगली बार 2 आदमी साथ लेके आए फालतू, और हमें ये भी लगेगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा। और महीने बाद एक मीटिंग बुलाऊंगा जिससे मैं लोगों से ये पूछूंगा कि आगे हमने काम क्या करना।